एनआरसी और सीएए के विरोध में आज सिवान में बंदी के दौरान दुकानदारों और बंद समर्थकों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। आपको बता दें कि बंद समर्थक ललन कॉम्प्लेक्स के अंदर खुली दवा दुकानों को बंद करवाने पहुंचे थे, जिसके बाद दुकानदारों और बंद समर्थकों के बीच जोरदार झड़प हो गई और पत्थरबाजी भी हुई, जिससे बबुनिया मोड़ पर जबरदस्त अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। पत्थरबाजी की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जिले के एसपी अभिनव कुमार, सदर एसटीओ ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बात की और मामले को नियंत्रण किया। आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे एसपी की सूझबूझ से मामले को शांत कराया गया। बाकी जो डेमोक्रेटिक हुए हैं अब उसके लिए अलग बात करेंगे, इस पर परिचर्चा और चर्चा, जिसकी गलती तो क्या हुआ उसका ठीक है वो अलग विषय है, अभी उसका कोई कमेंट नहीं देना। फिलहाल तो ये है कि शांति बहाली के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिस इज नॉट अ वे, ठीक है कि आप रोड पर जाम करके अगर आप जाम करते हैं एम्बुलेंस के लिए जगह दीजिए, प्रोटेस्ट करने का तरीका आप एक्साइड में रखिए, ठीक है तो वो चीज इंश्योर करें और प्लीज इस तरह से नहीं करें। और जो भी कोई बात हो अपना जो एक डेमोक्रेटिक तरीका है, शांतिपूर्ण तरीका है, सोशल डिस्टेंस का तरीका है कि आप भी अपनी बात रखें, दूसरे को भी कोई दिक्कत ना हो, इस तरह करें। अगर आप राष्ट्रीय तिरंगा रख रहे हैं तो शांति रखिए, ठीक है ना, तो आप जाइए अपने लोगों से बात कीजिए, पहले मुझे रोड चाहिए खाली, ठीक है उसके बाद हम परिचर्चा करते हैं, अगर हम कोई कंक्लूजन करते हैं, ठीक है आपको गुजारिश है इसको इंश्योर करें। सर एक दस मिनट अभी कोई नहीं जाएगा, अभी कोई पूछा है अभी अभी उनको चाहिए अभी क्योंकि माहौल थोड़ा जो लोग धरने पे बैठे हो तो बैठे रहेंगे, आप उनके सिक्योरिटी के लिए कुछ करते हैं और मेरे उधर भी लोग देखिए सुनिए ना, धरना प्रोटेस्ट एक अलग चीज है, ये रोड पे इस तरह से करके जाम करना दैट इज नॉट ये कहीं से भी रूल नहीं है, ठीक है ना, कि दूसरे को दिक्कत हो और अपना जाम करें, डेमोक्रेटिक का तरीका है, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है ना, सब लोग साथ में रहते हैं मिलजुल के, अपने बात रखने के लिए दूसरे को असुविधा हो उसका भी ख्याल रखें, ठीक है। नहीं असुविधा असुविधा यही है कि रोड जाम करे, कई लोग वे लोग दूसरे लोग फोन करते हैं कि मेडिकल एम्बुलेंस में जा रहा है, सुन ले बात तो सुनिए, हो सकता है बात गलत है, मेरी बात देखिए को एम्बुलेंस को नहीं रोया, अच्छी बात है, लड़के को सब अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से कुछ ये नहीं है, तो मेरा अभी यही रहेगा, चार आदमी है ना, कभी कोई अभी यही रहेगा, फेस्टिवल हम लोग का अच्छा निकला है, अभी अपने घर जाए, जो आपका प्रोटेस्ट का तरीका है या जो वहाँ पे धरना हो रहा है वो एक अलग विषय है, उसके बाद बात करें, फिलहाल तो यहाँ पे जाने के लिए बोले फिर बाद में बाकी सब लोग देखिए वो बात करें।